नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ। महिंद्रा 475 DI का ये गाड़ी बीमार हुआ, पिकअप अप डाउन हो रहा है। तो हमारा जो एसी पंप का नीचे में जो फिल्टर है, ये फिल्टर खोलना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये फिल्टर कैसे खोलना है। और ये एसी पंप का फिल्टर खोलने के लिए कोई 13 नंबर रेंज भी नहीं लगेगा, कोई 14 नंबर रेंज भी नहीं लगेगा, कोई 19 नंबर रिंग भी नहीं लगेगा। ये ओनली एक प्लस से खोलना चाहिए, और एक प्लस से खोलना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी फिल्टर खोल रहा हूँ। और फिल्टर खोलने के बाद थोड़ा डीजल भी लेना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर ढलाई करने के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर का फिल्टर, एसी पंप का फिल्टर हालत किया हुआ, पूरा कचरा है। तो ये अभी अच्छा करके छपाई करना है। ओरिजिनली ये फिल्टर चेंज करना चाहिए, पूरा खराब हो गया। अगर ये ट्रैक्टर दुकान में होती तो नया फिल्टर लगा देता रहा, क्योंकि ये ट्रैक्टर साइड में है, तो इसीलिए कहाँ मिलेगा फिल्टर। ये पुरान वाला को अच्छा करके छपाई करके लगाना है। तो देख लीजिए दोस्तों, फिर इसी चीज़ में फिल्टर रहता है, तो ये छपाई हो गया। फिल्टर को अच्छा करके धुलाई करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा फिल्टर बराबर छपाई हो गया। देख लीजिए बराबर छपाई हो गया, थोड़ा थोड़ा है, ये कुछ नहीं चलेगा। तो अभी लगा देता हूँ। और फिल्टर का नीचे में एक स्प्रिंग रहेगा, और इसी चीज़ में फिल्टर घुसेगा, और स्प्रिंग को नीचे देना होगा। और फिल्टर का ऊपर में एक ढक्कन भी होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ढक्कन है। तो अभी फिल्टर को लगा देता हूँ, अच्छा करके लगाना चाहिए। अगर ठीक से नहीं लगाए तो स्टार्ट देने के बाद ये फिर डीजल भी लीक करेगा, और लगाने के बाद अच्छा से टाइट देना चाहिए। तो फिल्टर टाइट हो रहा है, और टाइट होने के बाद स्टार्ट करके देखूंगा अभी पिकअप अप डाउन हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, फिल्टर में लीकेज नहीं हो रहा है। तो फिल्टर में लीकेज भी नहीं हो रहा है, पिकअप भी अप डाउन नहीं कर रहा है। तो हमारा वीडियो भी ख़त्म हो रहा है। अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। थैंक यू दोस्तों।